भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ सड़कों पर जारी पहलवानों के प्रदर्शन पर विराम लग गया है, लेकिन पहलवानों का ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ अब पहलवान सड़कों पर नहीं बल्कि अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। कल देर रात बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की तरफ से एक मैसेज शेयर किया गया। इसमें कहा गया कि सरकार के साथ 7 जून को बातचीत हुई। सरकार ने पहलवानों के साथ किए वादों पर अमल करते हुए महिला कुश्ती खिलाड़ियों की ओर से महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के संबंध में की गई शिकायतों के मामले में FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। उन्होंने आगे कहा कि कुश्ती संघ के सुधार के संबंध में नई कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया वादों के अनुसार शुरू हो गई है। चुनाव 11 जुलाई को होना तय है। सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर अमल होने का इंतजार रहेगा। साथ ही साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया है, जिसकी जानकारी दोनों ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की। खास बात यह कि विरोध प्रदर्शन का मुख्य चेहरा रहे बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने सरकार की तरफ से वादा पूरा होने की बात कही है, साथ ही अन्य वादों पर अमल के इंतजार में हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब ब्रजभूषण सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर साफ तौर पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया और ये कहते हुए चलते बने कि मामला कोर्ट में है, अब वहीं फैसला होगा। तो उसमें दिक्कत क्या है? अब अदालत में तो है ही है, क्योंकि 5 महीने तक ये चला था। देखिए मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, अब प्रकरण अदालत में है, अदालत के विचाराधीन है। तो सर आपको लग रहा है कि अब सही होगा, चूंकि आप जंतर मंतर पे एक लंबा प्रदर्शन आपके खिलाफ हो रहा था, आप अदालत पे होगा तो एक जांच प्रक्रिया सही तरीके से होगी? अदालत अपना काम करेगी। कुछ सर एक्शन प्लान है आपका आगे का? मेरा क्या प्लान होगा? अदालत में है, अदालत में चलेगा। चलिए बैठिए, अदालत में है, अदालत में चलेगा। तो सर आप सेटिस्फाइड हैं इससे? क्योंकि अदालत जो करेगा ठीक करेगा। देश के नामी पहलवानों ने बीते 5 महीने से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी पहलवान ब्रजभूषण से इस्तीफे की मांग करते हुए गिरफ्तारी की भी मांग की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की। हालांकि बाद में नाबालिग पहलवान ने FIR में लगाए अपने आरोपों को वापस ले लिया था।